गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नीटू स्टाइल कॉर्नर। गाइस आज मैं आपसे शेयर करूंगी हेयर स्टाइल। मैं जो आपसे हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूं वो लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर दोनों के लिए है। जिसके लॉन्ग हेयर है वो भी ये हेयर स्टाइल ईजिली कर सकता है और जिसके शॉर्ट हेयर है वो भी ये हेयर स्टाइल ईजिली कर सकता है। ये गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते। डू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैं अपने बन को खोल लूंगी और एक कॉम्ब की हेल्प से जितने भी मेरे हेयर में अटकले होंगी उसको निकाल लूंगी ताकि मेरे को हेयर स्टाइल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली हेयर स्टाइल मेरा बन जाए। आप देख सकते हैं मेरे हेयर के सारे अटकले मैंने निकाल दिया। मैंने यहाँ पे हेयर पिन लिया है और अब मैं थ्रेडिंग के लास्ट कोने से थोड़े से दोनों थ्रेडिंग के लास्ट कोने से थोड़े से बाल लूँगी और उसको पॉप बना लूँगी। आपको जितना पॉप चाहिए ऊंचा आप कर सकते हैं और आपको जितना हेयर पिन सिक्योर करने के लिए चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हेयर पिन से सिक्योर कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना स्वीट और डिसेंट लुक लग रहा है। ये आप स्कूल गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग गर्ल, शॉर्ट हेयर है आपके, लॉन्ग हेयर है, आप कर सकते हैं। और ये पीछे से भी बहुत सुंदर लगता है और आगे से भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप टीनेजर भी हैं और आपके बहुत शॉर्ट हेयर हैं कंधे तक तो तभी भी आप कर सकते हैं। अब मैं सेकेंड हेयर स्टाइल करूँगी। मैं टॉप को खोलूँगी नहीं और दोनों ईयर के पास से मैं थोड़े से बाल ले लूँगी और एक बनाना क्लैक्चर की हेल्प से लगा लूँगी। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बाहर मार्केट जा रहे हैं तो ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने सारे बालों को एक रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी और मैं हाई पोनी टेल बनाऊँगी। आप लो भी बना सकते हैं। ये हेयर स्टाइल हाई पोनी टेल में बहुत ही डिसेंट और बहुत अच्छा लगता है। ये लुक वेस्टर्न ड्रेसेस पे बहुत अच्छा लगता है और आप सूट पे भी इसे कैरी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लुक देता है और आप चाहते हैं तो आप दोनों तरफ से बाल निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये हेयर स्टाइल को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बहुत अच्छा लुक देता है। ये हेयर स्टाइल देखने में पीछे से भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं पॉनी टेल को खोलूँगी नहीं और इसको मैं सिंपली बन बना लूँगी। आप क्लचर की हेल्प से, जूरा पिन की हेल्प से सिक्योर कर सकते हैं इसे, लेकिन ये लंबे बाल और शॉर्ट बाल में भी बहुत अच्छा लगता है। और आप दोनों तरफ से चाहे तो बाल निकाल सकते हैं और पीछे से भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये समर के लिए बेस्ट है हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल करके आप बाहर भी जा सकते हैं और घर पे भी रह सकते हैं, ये बहुत अच्छा लुक देता है। अब देख लेते हैं हम लास्ट हेयर स्टाइल। मैं पॉप को ऐसे ही रहने दूंगी और नीचे से अपने बालों को गूंथ लूंगी। ये हेयर स्टाइल समर के लिए परफेक्ट है और आप घर में ही नहीं आप पार्टी में भी कर सकते हैं। और इसको और अच्छा लुक देने के लिए आप चोटी के बीच में मोती लगा सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है फिर, और ये पार्टी वेयर आपका हेयर स्टाइल हो जाता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आप गाउन पे कर सकते हैं और साड़ी पहन रहे हैं तो उस पर भी ये हेयर स्टाइल को कर सकते हैं, सूट पहन रहे हैं उस पर भी ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं, और आगे से अगर आप चाहते हैं बाल निकालें तो ये और अच्छा लगेगा। अगर आपको सिंपल और इजी हेयर स्टाइल पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।